नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बंगलुरु से खबर, जहां पर झारखंड को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड को यह पुरस्कार इस बार मिला 2016 और 17 में चावल उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया। पीएम मोदी ने तुमकुर में समारोह के अंदर पुरस्कार दिया। समारोह में मौजूद रहे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि सचिव IAS छवि रंजन ने पीएम से ग्रहण किया पुरस्कार। पुरस्कार के रूप में राज्य सरकार ने कृषि विभाग को दिए 2 करोड़ रुपए। राज्य में साल 2016-17 के अंदर कुल 1714,000 हेक्टेयर में धान की खेती हुई। राज्य ने करीब 48.69 हजार टन धान का उत्पादन किया। वहीं साल 2,841 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही धान की उत्पादकता। ऐसे में धान उत्पादन के लिए कृषि विभाग ने इस साल कई नए प्रयास किए हैं। जो झारखंड को मिला कृषि कर्म पुरस्कार, आपको बता दें राज्य ने करीब 48.69 हजार टन धान का उत्पादन किया था। तो बंगलुरु के तुमकुर के अंदर ये कार्यक्रम था जहां पर पुरस्कार दिया गया। श्रीमती लिली खड़करंग, जॉइंट डायरेक्टर समिति ऑन द डायस टू रिसीव दिस अवार्ड। पल्सस कमेंडेशन, वी मूव ऑन टू द कमेंडेशन अवार्ड अंडर राइस कैटेगरी व्हिच गोज टू झारखंड। श्री छवि रंजन, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डॉक्टर सुभाष सिंह, डायरेक्टर समिति ऑन द डायस टू रिसीव दिस अवार्ड। Pulses Commendation Award. We move on to the Commendation Award under Rice category, which goes to Jharkhand. Shri Chavi Ranjan, Director of Agriculture, Dr. Subhash Singh, Director Samiti, on the dais to receive this award.